Good morning to all of you, my dear friends. I am Prakash, going to tell you something about political science. दोस्तों मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. आज के एपिसोड में मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड. अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं. चलिए जानते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक है संघ की कार्यपालिका. संघ की कार्यपालिका क्या होता है? भारत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी से मिलकर बनी होती है दोस्तों. भारतीय संघ की जो कार्यपालिका बनी हुई है दोस्तों, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी से मिलकर बनी होती है दोस्तों. अगला पॉइंट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है. ये आर्टिकल 52 में वर्णित है दोस्तों. अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है. राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक किया गया है. संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है. दिमाग में ठूस डालिए कि संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है. और संसदीय प्रणाली जो लिया गया है हमारे संविधान में, वो ब्रिटेन से लिया गया है. संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? जिस प्रकार के भारत में राष्ट्रपति है, उसी प्रकार से ब्रिटेन के सम्राज्ञी हैं वो जो है. भारत ब्रिटेन में जिस प्रकार से, उसी प्रकार से भारत में भी है. राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जा सकता है. अगर दोस्तों महाभियोग को अगर गौ को आप पलटते हैं तो 61 बन जाएगा दोस्तों. तो अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या किया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है, लोकसभा में पास किया जाता है दोस्तों. तब जाकर के महाभियोग, अगर कदाचार में राष्ट्रपति को पाया जाता है तो महाभियोग लगाया जाता है. मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 एवं 75 अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों. मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 74 और 75 आर्टिकल में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है. संघ की कार्यपालिका का उल्लेख 52 से लेकर 78 आर्टिकल तक किया गया है. 52 से लेकर के 78 आर्टिकल तक किसका उल्लेख किया गया है? संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है. और हम जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संघ की कार्यपालिका बनी होती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर बनी होती है. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे दोस्तों. लगभग 5 या 6 प्रश्न संघ की कार्यपालिका से पूछे जाते हैं. भारत राज्यों का संघ है दोस्तों. हम जानते हैं कि भारत, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्टेट्स दोस्तों, यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारतीय राज्यों का संघ, भारत जो है भारतीय राज्यों का संघ है. अनुच्छेद 1 में कहा गया है दोस्तों. अब हम आगे देखते हैं कि भारत की कार्यपालिका का उल्लेख 52 से 78 तक किया गया है. राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों. राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है. और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है. और अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 36 से लेकर 51 तक. आयरलैंड के संविधान से लिया गया. आयरलैंड की राजधानी डबलिन है दोस्तों. संविधान संशोधन जो लिया गया है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है. और पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था दोस्तों, जिसमें से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था. 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था. और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जिसकी राजधानी प्रिटोरिया है दोस्तों. जिसके प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे और उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था. ये दूसरे विदेशी नागरिक थे. पहले विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है. दूसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला. तो दोस्तों हम जानते हैं संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लिया गया कहाँ से? साउथ अफ्रीका से लिया गया, जिसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है. आगे चलते हैं दोस्तों. मूल अधिकार जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से लिया गया है, जिसकी राजधानी दोस्तों कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है. और उसके राष्ट्रपति 45वें राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है. इसका वर्णन किया गया है जो कि अमेरिका से लिया गया है. उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची और 3 परिशिष्ट है दोस्तों. दिमाग में ठूस डालिए कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची और 3. जिस समय संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तो इसी के लिए 26 नवंबर को हर साल हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं. 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू किया गया, अंगीकृत किया गया, तो उस समय में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, है ना, उस समय में. और 9वां अनुसूची जोड़ा गया 1951 में. प्रथम आम चुनाव 1951 में हुआ था. बायोटेक केयर, हैव टू स्वागत, हैव अ नाइस टाइम दोस्तों. थैंक यू.